तो सबसे पहले आपके साथ हम वीजा शेयर करने वाले हैं जो कि वीजा हमारे अप्रूव होकर है कनाडा के। तो ये जो आप फर्स्ट वीजा आप दे सकते हैं ये हमारा कनाडा का अप्रूव होकर है, और ये जो सेकंड वीजा आप दे सकते हैं ये भी हमारा कनाडा का अप्रूव होकर है। ये जो आपने टूर वीजा आपने कनाडा के देखे, तो इन वीजों में जो खास बात थी भी इनका पहले कनाडा का रिफ्यूज आया था लास्ट ईयर, तो हमने इनका दोबारा कनाडा का वीजा अप्लाई किया तो दोबारा इनका अप्रूव होकर है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो टू केस हैं इनका ऐसे क्या हमने चेंजिंग की जिसे इनका जो पहले रिफ्यूज था फिर इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी जो पहले इन्होंने फाइलिंग की थी जहाँ से भी की थी उन्होंने इनके फैमिली टैक्स नहीं दिखाए थे, स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाए थे, तो वो भी हमने इनके फैमिली टैक्स इनके पेरेंट्स के इनके ब्रदर के इनके सिस्टर के जो इनकम के सोर्सेस हैं वो भी हमने दिखाए भी इनकी फैमिली क्या कर रही है। जब भी आप किसी कंट्री का भी अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक चीज़ आपका जरूर ध्यान रखें भी आपकी जो फैमिली के जो टैक्स है वो आप जरूर दिखाएं, स्ट्रॉन्ग दिखाएं, क्योंकि वो वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आपकी फैमिली में इनकम के सोर्सेस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी सी ए वैल्यूएशन आप साथ में लगा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स की सी ए वैल्यूएशन आप साथ में लगा सकते हैं, उनके फंड आप साथ में लगा सकते हैं। चाहे अपना खुद का फंड आप दिखा रहे हो अच्छा, तो फिर भी आप उनके जो टैक्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप साथ में जरूर अटैच करें, इसका आपके केस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके एक्स्ट्रा अगर हम बात करें तो इनका जो हमने ट्रैवल प्लान दिखाया कनाडा की उन सिटीज का दिखाया जहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल कम जाता है, तो ये भी आज के टाइम में जो इंडिया की साइड से जो काफ़ी लोग ट्रैवल करती हैं वो ओनली टोरंटो हो गया या ब्रैम्पटन साइड, जो उनके टोरंटो की साइड से जहाँ पर इंडियन लोग ज़्यादा वहाँ का ट्रैवल प्लान ज़्यादा दिखाते हैं। बट हमने इन केसेस में जो ट्रैवल प्लान उन सिटीज़ का हमने मेंशन किया, हम दोनों केसेस में हमने देखने को मिला इनका वीज़ा जो अप्रूव होकर है। इसलिए अगर आप भी आने वाले टाइम में आपका पहले रिफ्यूज़ हुआ है वीज़ा, तो अपने फैमिली टैक्स अपने इनकम के सोर्सेज अच्छे दिखाकर और अपना ट्रैवल प्लान उन सिटीज़ का बनाकर आप दिखाएं सिटी में जो इंडियन लोग कम है। अगर आप ऐसे इनकम के सोर्सेज और ट्रैवल प्लान दिखाते हैं तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो एक चीज़ आपने और देखनी है, जब भी आप ट्रैवल प्लान दिखाते हैं तो वहाँ के वेदर के हिसाब से आप दिखाएं। ये अगर वहाँ पर वेदर विंटर का है तो आप विंटर में जो वहाँ पर ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जो आप देख सकते हैं वो आप अपनी जो आइटनरी है उसमें मेंशन करें। अगर आप समर में जा रहे हैं तो आप उन प्लेसेस को वहाँ पर दिखा सकते हैं जो समर में वहाँ पर लोग देखने जाते हैं, और ये भी आपके वीज़ा ऑफिसर है वो देखते हैं कि आपने जो ट्रैवल प्लान दिखाया है वहाँ के वेदर के हिसाब से दिखाया या वैसे दिखाया। इसलिए अगर आप कभी भी कनाडा की फाइल सबमिट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको किसी भी कंट्री के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वीज़ा के रिलेटेड वर्ल्ड की, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।